नमस्कार दोस्तों, मैं आशिक राज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल आशिक में। हम लोग ओरेकल के स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ फंक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है, अभी आगे बढ़ते हैं। रिप्लेस फंक्शन का क्या यूज होता है? रिप्लेस फंक्शन का यूज होता है जो भी आप लेटर देंगे, जो भी कोई स्ट्रिंग देंगे उसमें से किसी भी लेटर के जगह पे कोई भी लेटर आप कैरेक्टर वर्ड जो भी वहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है वेलकम, वेलकम में हम कम के जगह पे डन डन हम करना चाहते हैं, तो इसका ये सिंबल है सेलेक्ट रिप्लेस वेलकम कॉमा कम फिर कॉमा जिस चीज़ के हम रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसको रन कराते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम कम के जगह पे, वेलकम में कम के जगह पे डन यहाँ पे आ गया। ठीक है, जैसे कि कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं, अगला कोई और कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हमने जो वेलकम लिया है तो आप वेलकम ही लें, कुछ भी करेक्टर ले सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हैं। जैसे कि हम अभी ले रहे हैं सेलेक्ट रिप्लेस, ठीक है, आई लव यू एक ये है एक स्ट्रिंग है, इसमें ये आई लव यू सेंटेंस में यू के जगह पे हम यहाँ पे चेंज करेंगे इंडिया। ठीक है, आई लव यू यू के जगह पे इंडिया यहाँ पे प्रिंट करके लाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आई लव यू के जगह पे आई लव इंडिया, यू के जगह पे इंडिया यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, आप भी किसी भी सेंटेंस में वर्ड में, ठीक है, स्ट्रिंग कोई भी केस में आप ए के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी वर्ड हो उसके अंदर जो भी रिप्लेस करना चाहते हैं यहाँ से इस फंक्शन के थ्रू हो जाएगा।